हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला बच्चे का जो स्वेटर मैं बता रही थी आपको, कली वाला, ये देखिए मैंने इसको इतना बना लिया। अब ये पूरी सिलाई मेरी काफ़ी भर चुकी है। और ये जो बीच वाली, ये जो जाली थी, ये वाली जाली जो मैंने आपसे कहा था कि 10 जाली बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगी, ये बीच वाली जाली मैंने 11 बनाया है। इसलिए कि बीच से जो हमको ये डिवीज़न करना था, ये मुझे थोड़ा सा चौड़ा चाहिए था, तो यहाँ पे बीच में मेरी ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जब फंदे बढ़ते बढ़ते ये 13 फंदे हो गए हैं, तब अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगी। और ये वाली जाली जो है ये टोटल मैंने 10 बना लिया है। जैसे कि अब मुझे मेरी कई फ्रेंड्स ने पूछा कि 0 साइज का या 5 साल का या 7 साल का, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे मैंने इसको ये 5 जाली के बाद मैंने यहाँ पे ये डिवीज़न करना शुरू कर दिया है यहाँ से, तो अगर आपको थोड़ा और छोटा बनाना है तो आप 3 जाली से करिए, और बड़ा बनाना है तो आप ये 7 जाली से करिए, 9 जाली से करिए, और ये आप और लंबा कर लीजिए। तो ये कली जितनी बड़ी आएगी ये फंदा उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और उतने बड़े बच्चे के लिए बनाना ये ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग जैसा कि ये देखिए, ये न्यू बॉर्न बेबी अभी जिसका है वो जब तक जाड़े में पहनेगा तब तक ये 2 महीने, अभी तो दिसंबर के पहले ये बहुत हैवी स्वेटर बच्चे पहनेंगे नहीं, फिर भी अगर, तो ये 81 फंदे न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी काफ़ी हैं। और अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से बनाना है तो ये आप 3 जाली के बाद ही इसका डिवीज़न कर दीजिए, और ये 8 जाली ही रखिए। 2 साल तक के बच्चे का नाप ये है, तो ये देखिए इसमें 10 जाली है। मैंने ये डिजाइन सेट करने के लिए अब इस वाले में ये वाली जाली जो है वो मैंने टोटल 11 कर ली है। अब इसमें काफ़ी फंदे हो चुके हैं बढ़ने के बाद। अब देखिए जब ये सेकंड वाला हम शुरू करेंगे तो किनारे से जो हम बटन पट्टी बिन रहे हैं वो सेम बटन पट्टी, और अगर आप चाहें इसको डबल नहीं करना है, ये सिंगल के बाद ही आपको कुछ डिजाइन डालनी है तो आप वो भी कर सकती हैं। मैं इसको डबल इसलिए कर रही हूँ कि इसका जो ये कली है थोड़ा सा अलग से दिखे। जब इसके बाद मैं ये वाली जाली नहीं डालूँगी, मैं इसके बाद जो मैंने अभी आपको बड़ा कार्डिगन दिखाया था मैं वो वाली जाली इसमें डालूँगी, तो वो मैं इसमें सेट करके आपको बता दूँगी। और एक चीज़ ये देखिए, यहाँ से हमने ये पहला डिवीज़न किया, ये दूसरा डिवीज़न अब मैं इस सिलाई में करूँगी, और ये तीसरा डिवीज़न होने के बाद ये हमारे सारे पार्ट्स का डिवीज़न हुआ है। ये जो तीसरी कली हमारी ऐसे ये जा रही है, ये बड़ी वाली, ये सेकंड वाली, और जब ये थर्ड वाली ये आ रही है, इसके 2 सिलाई के बाद से ये हमारे सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं, स्लीव फ्रंट और बैक सब अलग अलग हो गए हैं। तो आपको थोड़े और बड़े बच्चे का बनाना है तो ये आप 3 थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, तब आप इसका डिवीज़न करिए। तो ये चीज़ जो है बच्चे का, ये जो स्लीव की ये लंबाई आती है वो अच्छे से आ जाएगी, तो आपके बड़े बच्चे के लिए भी ये, वैसे ये नाप जो है आपका लगभग 4 साल तक के बच्चे के लिए ये काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ और बढ़ाना है, थोड़ा और बड़ा करना है, तो ये मैंने देखिए इसमें 10 जाली रखी है, इसमें मैंने 11 जाली रखी है, आप ये 15 जाली तक कर लीजिए तो आपके 8-10 साल तक के बच्चे के नाप का ये आ जाएगा। तो ये जाली के बाद ये देखिए, और ये डिवीज़न जैसा कि मैंने आपसे कहा छोटे बच्चे का है तो आप ये 3 जाली के बाद से ही डिवीज़न शुरू कर दीजिए, तो ये कली थोड़ी छोटी आएगी। ये 5 के बाद है, आप 7 के बाद करिए, 9 के बाद करिए, तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाती जाएंगी वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा, और उस हिसाब से आप अपने बच्चे का नाप इसमें सेट कर सकती हैं। तो अब ये देखिए, ये हो गया पहला फंदा, जैसा कि हमने फर्स्ट कली का डिवीज़न किया था। पहला फंदा बिनने के बाद ये वाला ऊन फिर यहाँ मैं पलटूंगी, और ये देखिए ये मैंने बना लिया। आप देखिए 1, 2, 3 ये 4, एक मिनट, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5। और इधर अगर आपको और चौड़ा चाहिए तो आप इसको और चौड़ा भी रख सकती हैं। अब ये देखिए फिर ऊन आगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, और ये 5वीं हमारी जाली है। अब बीच का ये जो हम लोग फंदा बढ़ा रहे थे, अब हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, ये वाला फंदा अब हम नहीं बढ़ाएंगे।
ये देखिए, और इसके बाद फिर इसको हम ऐसे ही सादा बीनेंगे क्योंकि फंदे ज़्यादा हो चुके हैं तो इसको बीनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, अब इधर वाला ये जैसे हम बीन रहे थे इसको हम बीन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये आप देख लीजिए कि आपका ये बीच में ये कितना फंदा है, ये देखिए मेरा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 13। तो अब मैं इसको ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 मैंने बिन लिया। अब ये देखिए ये 2, 4, 1, 5 मैं बिन लूँगी और अब ये बीच का फंदा 3 ये मैं 4 ही बिनूँगी क्योंकि अगर मैं 5 करूँगी तो ये मेरा डिवीज़न अच्छे से नहीं होगा। ये देखिए 4, ये जाली लेके 1, 2, 3, 4, 5 और ये मैंने घटा दिया जैसे यहाँ पे है, ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 जाली लेके उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद हमने 2 का 1 किया, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे और अब ये इधर वाला ये घट गया। इसको घटाने के बाद 1, 2, 3, ये 4 ये हुआ 5वां फंदा ये। अब इसको फिर यहाँ पे पलटेंगे इसी तरीके से हम, ये देखिए इसी तरीके से फिर जब हमारा यहाँ पे 13 फंदा हो जाएगा तो हम फिर यही चीज़, अगर आपको यही बनाना है तो, नहीं तो फिर अगली सिलाई से हम इसमें बीच से डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये वाला जब मैं सिलाई पूरा कंप्लीट करके उल्टी सिलाई बना लेती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि बीच में हम जाली वाली डिजाइन कैसे एडजस्ट करेंगे ताकि कली ऊपर प्लेन रहे और नीचे हमारी जाली भी आ जाए। अब ये देखिए यहाँ वाली जाली ये मैंने बंद कर दी है, ये वाली जाली अब मैं नहीं बना रही हूँ जो हम लोग स्टार्ट से बना रहे थे, ये मैं नहीं बना रही हूँ और बाकी ये इसी तरीके से मैं इसको, ये देखिए अब ये इधर घट जाएगा पहला वाला, ऊन आगे, अब यहाँ से हम बिनेंगे 1, 2, 3 और ये 4। ये बिनने के बाद अब देखिए इधर वाला पहले घटाएंगे, 2 का 1, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, अब ये पलट के इधर का, इसी तरह पूरी सिलाई बिन के फिर हम उल्टी सिलाई बिन लेंगे। ये बीच में हमारा ये जाली वाला फंदा लेके ये 5 फंदा रहेगा तब ये दूसरा वाला कली हमारा बनेगा, देखिए इस तरीके से। तो ये सीधी सिलाई बिन के फिर उल्टी सिलाई बिनने के बाद मैं जब आती हूँ सीधी सिलाई में तो आपको ये वाली जाली नहीं, जो मैंने कार्डिगन वाइट कलर का दिखाया था वो वाली जाली आपको बताती हूँ कि इसमें हम कैसे सेट करेंगे। ये देखिए अब हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं, यहाँ एक जाली पड़ गई है और एक फंदा है। अब ये अगली सिलाई में जब हम सीधी सिलाई में आएंगे जब यहाँ 3 फंदा हो जाएगा इसमें बीच में यहाँ पे देखिए ये जो हम बीच में ये शुरू किए हैं यहाँ से जब ये बीच में 3 फंदे हो जाएंगे दोनों तरफ से तो अभी पहली बार जाली डालने के बाद उल्टा बिन लिया, अब ये 2 सिलाई और बिनने के बाद फिर जब हम नेक्स्ट 5th सिलाई में आएंगे ये जहाँ से हमने अगली कली शुरू की है तो फिर हम इसमें डिजाइन डालेंगे क्योंकि अभी इसमें फंदा नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो जब तक यहाँ पे 5 फंदे नहीं हो जाएं यानी बीच के 3 फंदे और 2 जाली तब हम इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे इस वाली सिलाई में अब हम ये कर रहे हैं तो ये हम ये दूसरी बार इसको घटाना शुरू कर रहे हैं तो ये सेम वैसे ही घटेगा और ऊन आगे करके ये वाला क्योंकि अब ये कली हमारी बंद हो रही है तो इसको हम वैसे ही घटाते जाएंगे। फंदा इतना ज़्यादा हो चुका है कि मेरे इस टाइम पे इस पल्ले में जब हमने ये कली बनाना बंद किया है यहाँ पे तो 257 फंदे टोटल हैं। तो आप अपना उसी हिसाब से बनाइएगा बच्चे के हिसाब से और अगर ये फंदा ज़्यादा हो जाता है तो आप या तो बड़ी वाली सिलाई लगाइए या 2 सिलाई इसमें लगा लीजिए, अगर बड़ी सिलाई नहीं है या सर्कुलर नीडल है तो आप उससे भी बना सकती हैं। ये देखिए ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये, अब यहाँ पे ये हमारे ये जो बीच के 3 फंदे हो गए
अब इसको मैं अभी अगर बनाती तो फिर मेरा ये जाली ठीक से नहीं आएगा। तो अब ये सिलाई बिनने के बाद जब मैं नेक्स्ट सीधी सिलाई में आऊँगी, ये देखिए ये बीच के 3 फंदे हो गए, ऐसे मैं यहाँ पे ये डिजाइन बना देती, लेकिन ये जाली चूँकि इसमें कवर हो रहा है तो यहाँ पे ये फंदे कम हो जाएंगे। तो अब मैं नेक्स्ट सीधी सिलाई में जब आऊँगी तो मैं ये डिजाइन स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको ये कली वाली डिजाइन ही डालनी है टोटल, तो जब आपके 13-13 फंदे हो जाया करेंगे तो आप अगला कली शुरू कर दीजिएगा। मैं इसमें दूसरी डिजाइन डालने वाली हूँ, तो मैं वो डिजाइन भी आपको बना के दिखा दूँगी कि कैसे बनता है। तो अब नेक्स्ट सीधी सिलाई में जब मैं आती हूँ तो मैं बताती हूँ कि इस डिजाइन को हम कैसे डालेंगे। ये देखिए अब मैं फिर नेक्स्ट सीधी सिलाई में आ गई हूँ। तो सबसे पहले ये बॉर्डर, जो दोनों तरफ की हमारी बटन पट्टी है, ये 8 फंदा बिनने के बाद पहला फंदा हम बिन लेंगे। यहाँ वाली जो हम डिजाइन डालेंगे इसको ऐड करेंगे, ये सिर्फ हम 2 फंदे में ये डिजाइन ऐसे डालेंगे, फिर ऊन आगे ये जाली, ऊन आगे और ये जो हम कली घटा रहे हैं। इसी तरह लास्ट में हम सिर्फ 2 फंदा लेंगे। और ये जाली मैंने अभी एक येलो कलर का बेबी फ्रॉक बताया था, उसी में मैंने ये वाली जाली बनाना बताया है आपको, तो वो आप चाहें तो वो जाली डालिए, या आप कोई और भी डिजाइन अगर जानती हो तो आप अपनी डिजाइन इसमें सेट कर सकती हैं, नहीं अगर तो आप इसको प्लेन भी रख सकती हैं, या ये जो कली मैंने इस वाले में बनाया है आप चाहें तो वो कली भी उसमें डाल सकती हैं। ये देखिए ये हो गया एक बार का। दोबारा इसको करने के बाद ये देखिए, ये करने के बाद ये हम पहला फंदा इस तरीके से बिन लिए। अब ये देखिए ये जो बीच के 3 फंदे में मैं ये जाली डालूँगी, ये 3 फंदा एक संग जो हम सीधा बिन देते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से ऐसे, फिर ऊन आगे एक सीधा, फिर ऊन आगे और अब ये ऐसे। तो ये वाली जो जाली है ये टोटल जाएगी, फिर अगले बार इस यहाँ पे ये जाली नहीं पड़ेगी, अगली बार हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ अगर हम डालेंगे तो हम सिर्फ 2 फंदे में डालेंगे, क्योंकि यहाँ का हमारा ये घटने के बाद यहाँ जाली पड़ने के लिए 1 फंदा हमको चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये डिजाइन सेट कर लूँगी। और इसके बाद सेम अगर यही नाप आपको बनाना है, अगर मैंने जो नाप बताया है, तो ये देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जब ये हमारी 3rd वाली लाइन शुरू हुई है कली की, पहली दूसरी 13 फंदा होने के बाद, फिर जब 13 फंदा होने के बाद ये शुरू होने के अगले 2 सिलाई के बाद, मतलब सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बिनने के बाद आप इसको अलग कर सकती हैं। और ये जो देखिए मेरी ये जो कली है 1 और पीछे 2 कली स्लीव में गई है, 2 कली ये बैक में है, और फिर इधर 2 कली स्लीव में और 2 कली फ्रंट में। तो इस तरीके से इसका डिवीजन हुआ है। तो आप अगर और बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप बैक में 1 कली और एक्स्ट्रा कर सकती हैं, तो उस हिसाब से आप अपना फंदा एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये जब हम स्लीव लेंगे तो ये हमारा ये जो पहला फंदा है, ये बीच वाला इधर का और बीच वाला इधर का, इन दोनों को लेके हम स्लीव में ले लेंगे। और सबसे पहले हम स्लीव दोनों बनाएंगे जैसा कि मैंने बेबी फ्रॉक में आपको बताया ही था, इसके बाद फ्रंट और बैक हम साथ में बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें जो डिजाइन डालना चाहती हैं आप उस पर डालिए, नहीं अगर डालना चाहती हैं आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप टोटल प्लेन ही रखिए, या फिर यही 13-13 फंदा होने के बाद ये वाले कली बनाइए। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। अगर मेरा ये डिज़ाइन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं अगर आप चाहेंगे तो इसके आगे की डिज़ाइन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, और इसका डिवीज़न भी मैं आपको अगले पार्ट में बता दूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।